दोस्तों इस वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारी इंटरनेट के अलग अलग वेबसाइट से लिया गया है। समय के साथ इस जानकारी में बदलाव भी हो सकता है, तो उसके लिए कृपया हमें क्षमा करें। दोस्तों सच ही कहा गया है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है कुछ इसी तरह पे आधारित है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता होगा हमारे ट्रांसपोर्ट जगत में आज के समय जिस तरह से काम हो रहा है पहले वैसा नहीं था। तो कौन थे वो जो भारत में ट्रांसपोर्ट जगत को एक नई पहचान दिलाए? एक समय पे बैसाखी पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज के समय में उड़ने लगा है। क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसकी शुरुआत किया? तो दोस्तों आज हम बात करते हैं लॉजिस्टिक गुरु और मेरे आदर्श मिस्टर पवन जैन के बारे में, जिन्होंने देश में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को अपनी एक अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, पवन जैन जो आज सेफएक्स लॉजिस्टिक के फाउंडर और चेयरमैन है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पवन जैन जी और इनकी कंपनी सेफएक्स लॉजिस्टिक के बारे में। पवन जैन जो कि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, उन्होंने अपना बिजनेस सेफएक्सप्रेस से शुरू नहीं किया था। इनकी कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 45 साल पहले, जब ये अपनी पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांस सॉल्यूशन को 1975 में स्टार्ट किए थे। अपने परिवार में ये पहले शख्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। जब बिजनेस शुरू किया तो स्वाभाविक था कि परेशानियां तो आनी ही थी। हुआ भी यही, जब इन्होंने अपनी कंपनी को शुरू किया तो शुरुआती दौर में बहुत सारी अलग अलग मुश्किलों से इन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं माना। हार भी कैसे मानते, ये एक आईआईटीयन थे जो आईआईटी जैसे देश के सबसे कठिन परीक्षा को पास कर सकते हैं, उनके लिए बिजनेस की परेशानी कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी सोच कुछ अलग थी, ये कुछ अलग करना चाहते थे और इसी सोच के साथ इन्होंने अपने कजन्स के साथ मिलकर 1987 में ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्थापना किया। दोस्तों आप लोग ओवरनाइट के बारे में जानते ही होंगे, ओवरनाइट एक्सप्रेस जो कि एक कुरियर कंपनी है, उसे इन्होंने अपने कजन के साथ मिलकर शुरू किया था। कुरियर का बिजनेस भी चल निकला, लेकिन इन्हें इससे भी कुछ बड़ा और कुछ अलग करना था और इसी सोच के साथ इन्होंने ओवरनाइट एक्सप्रेस को छोड़ दिया और अपने जितने भी इनके स्टेक्स थे कंपनी के अंदर वो सारे के सारे सरेंडर कर दिए, ताकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कुछ अलग कुछ नया किया जाए। और इसी के साथ जन्म हुआ सेफ एक्सप्रेस का। सेफ एक्सप्रेस दोस्तों आज के टाइम में इंडिया की एक नामी गिरामी कंपनी है। चूंकि पवन जैन को अपने इरादे पहले से पता थे और अपने सारे कस्टमर्स के लिए अच्छी सर्विस के साथ साथ उनके सामान की सुरक्षा भी चाहते थे, तो पहले ही दिन से इन्होंने अपना कदम इसी दिशा में बढ़ाया। 1995 में शुरू किए गए अपने कंपनी को इन्होंने 4 रूट, 9 ऑफिस, 12 कंटेनर ट्रक और 20 लोगों के साथ शुरू किया। कंपनी के शुरुआती दिनों में इन्हें भी आम लोगों की तरह ही परिवार, दोस्त और सगे संबंधियों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। कहा भी जाता है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल इसी तरह इनकी भी सोच बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग थी। अब जब सोच चट्टान की तरह अडिग हो तो कोई कैसे हार सकता है। 1995 में शुरू की गई कंपनी 1996 आते आते ही प्रॉफिट में आ गई और इनकी कंपनी का टर्नओवर मात्र एक साल में 40 करोड़ हो गया, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। इनके कंपनी के सर्विस और सेफ्टी प्लानिंग को देखते हुए उस समय के बहुत सारे कस्टमर का रुझान सेफएक्स की तरफ होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, बिजनेस कंपटीशन का नाम है, और उस समय सेफएक्सप्रेस का सबसे बड़ा कोई कंपटीटर था तो वो था गति लॉजिस्टिक। गति भी ऐसे पुराना नहीं था मार्केट में, मगर पवन जैन की वही एक कंपनी थी जिससे उन्हें चुनौती मिल रही थी। लेकिन उन्होंने इस तरह के चुनौतियों को पार कर सेफएक्सप्रेस को उस मुकाम की ओर लेकर गए जिसका इन्होंने सपना देखा था। कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इन्होंने छोटे छोटे बहुत सारी योजनाएं बनाए और उस पे इन्होंने अमल किया। एक भारतीय होते हुए उन्हें यह पता था, भारत एक ऐसा देश है जहां हर मिनट में लोगों की सोच बदलती है, और लोगों के इन्हीं सोच को देखकर उन्होंने अपने छोटे छोटे योजनाओं के तहत कंपनी को आगे बढ़ाया। मगर चुनौती अभी भी इनका साथ नहीं छोड़ रहा था और उन्हें ये चुनौती उनके अपने ही कंपनी में काम कर रहे लोगों से मिल रहा था, क्योंकि पवन जी का सोच तो कुछ अलग
करके आगे बढ़ने का था, मगर उनके यहाँ काम कर रहे लोग तो वही थे जो उस समय के ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। उनके इस सोच को बदलना बहुत जरूरी था और उनके यही सोच को बदलने के लिए कुछ कुछ दिनों में वहाँ काम कर रहे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया गया, ताकि वो लोग भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके और उनका ये बढ़ाया कदम भी आगे चलकर पत्थर का मील साबित हुआ। दोस्तों आज मैं बात करूं तो सेफ एक्सप्रेस के लगभग 1000 ब्रांचेज हैं। आज के समय में इनके यहाँ लगभग 6500 से अधिक कंटेनर ट्रक 1500 से अधिक रूटों पे चलती है और सबसे मजेदार बात यह है कि इनकी गाड़ी हर दिन लगभग 8 लाख किलोमीटर चलती है ना, बहुत मजेदार वाली बात। आज सेफ एक्सप्रेस उस मुकाम पे पहुँच चुका है जहाँ सेफ एक्सप्रेस को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। अगर भविष्य के बारे में बात करें तो सेफ एक्सप्रेस का लक्ष्य 2022 तक अपनी कंपनी का टर्नओवर 2200 करोड़ तक पहुँचाना है। हालांकि अभी के समय में मेरे पास सेफ एक्सप्रेस का कोई सटीक जानकारी नहीं है कि इनका टर्नओवर कितना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी के टाइम में सेफ एक्सप्रेस का टर्नओवर लगभग 1700 करोड़ का है। अब दोस्तों बात करते हैं पवन जैन को मिली कुछ उपलब्धियों के बारे में जो उनको उनके योगदान के लिए दिया गया। दोस्तों अगर इनके सारे अवार्ड की बात किया जाए तो बहुत सारे अवार्ड इनको अपने लाइफ में मिल चुका है, लगभग 15-20 अवार्ड इनको दिया गया है। अगर मैं उसकी बात करूं तो अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इनके सारे अवार्ड्स को मैं आपको लिख करके दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के इनके सारे अवार्ड्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों 1975 में अपनी पहली कंपनी ट्रांसोल्यूशन से लेकर सेफ एक्सप्रेस की उड़ान में आज पवन जैन जी उन ऊंचाइयों पे है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत की ही नहीं बल्कि जज्बे की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों अंत में यही कहूंगा, सपना एक उड़ान है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, दिल में हो अगर हौसला तो मंजिल मिल ही जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, फिर से किसी नए शख्सियत के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।